Hi everybody, I welcome you all to today's session of PIB Insights. Before I begin, I wish you all a very happy new year. So, lead article for the day is electoral bonds. आप सबको पता है कि general elections अभी होने वाले हैं, उसकी date अभी तक declare हुई नहीं है, but ये topic ऐसा है जो बार बार news में रहेगा अब, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है एंड जितने भी की फैक्ट्स हैं इस स्कीम से रिलेटेड वो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो क्योंकि इससे ज़्यादा इसके ऊपर कुछ आएगा नहीं एंड जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारा इस सेशन में कवर्ड है तो आपको किसी और सोर्स से इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के अलावा जो बाकी के 4 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको लास्ट में MCQs मिलेंगे एक है DRDO, उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन, फिर है सागर परिक्रमा फेज 10, उसके बाद PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो ये 4 MCQs आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट उसके पहले PDF के लास्ट में, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो हर लिंक को क्लिक करके एक बार आप उसको रीड कर लेना ज़रूर से, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे ठीक है। MCQs पे जाके मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या कवर करना है इसके थ्रू ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा लीड टॉपिक आज का इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है, तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी हम जान लेते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्शन की बात कर रहे हों तो इलेक्शंस में, वो चाहे लोकसभा का हो, वो चाहे विधानसभा का हो, राइट, तो या तो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस हो जिनको कि हम जनरल असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं, या फिर जो लोकल लेवल पे किसी भी स्टेट में अपने उनके इलेक्शंस होते हैं। सो ये सारे इलेक्शंस में हर पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ ऐसे भी लोग जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ठीक है, वो किसी पार्टी के नहीं होते लेकिन वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। सो ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, उन सबको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, बिकॉज बिना मनी के आप इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप बेसिक सा एग्जांपल देखो तो जितने भी पैम्पलेट्स होते हैं, जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स के, उन सबको सर्कुलेट किया जाता है, बांटा जाता है लोगों में। इसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे व्हीकल्स उनको हायर किया जाए ताकि जो कैंपेनिंग होती है उसमें हर कैंडिडेट को हेल्प मिल सके। सो ऐसे बहुत सारे टाइप के खर्चे होते हैं एंड ये सारे लीगल एक्सपेंसेस हैं। बहुत बार आपने इलेक्शन के टाइम पे ये भी सुना होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर कैंडिडेट्स वो मनी डिस्ट्रीब्यूट करके वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली ये चीज़ इलीगल है तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे सेशन में, लेकिन जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं अगर हम उनको भी ध्यान रखें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर कैंडिडेट को। अब ये सारा खर्चा, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनको बियर करने के लिए ऑब्वियसली हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हो सकता है जो पर्सनल सेविंग्स हैं किसी भी कैंडिडेट की वो इतनी ना हो कि उसके बेसिस पे कोई इलेक्शन रन कर पाए। और ये जितने भी इलेक्शंस हैं, खास करके जनरल इलेक्शंस, उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं कहीं का फिगर आपको देखने को मिलेगा कि पर कैंडिडेट या फिर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी, जितने भी ऐसे ऐसे अलग अलग सीट्स होती हैं तो उन सब के लिए पर सीट 2-5 करोड़ का खर्चा आता है, ठीक है। ये एक रफ एस्टीमेट है और ये लीगल एस्टीमेट है, हो सकता है इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए हों जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एंड इसी रेशियो में फिर उनको फंडिंग्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो पहले का सिस्टम ये था कि फंडिंग्स के लिए ज़्यादा रूल्स नहीं होते थे और वहाँ पे फिर बहुत सारे फंडिंग्स ऐसे सोर्सेज से आते थे जो थोड़े स्टेडी हो। स्टेडी का मतलब कि वो किसी ऑफशोर अकाउंट से आ रहा है, ठीक है, या फिर कई बार इसमें ब्लैक इनकम भी इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। इस बेसिस पे कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन में जीत रही है या फिर कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो वो कुछ ऐसा फिनंशियल फेवर करेगा किसी कंपनी को एंड उसके लिए, उसके बेसिस पे एक्चुअली कोई बिजनेसमैन वो किसी पार्टी को फंड किया करता था। तो सोर्सेज के नाम, इन सब की डिटेल्स, ये सब पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। तो ईयर 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इसको लॉन्च किया गया ये सोच के कि एटलीस्ट ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट रहेगा फंड रेजिंग करने के लिए हर पार्टी के लिए। इसमें ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बस ये है
कि दिस शुड एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फंड रेजिंग फॉर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप ध्यान रखना कि कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसकी कोई पार्टी नहीं है तो वो इसके थ्रू फंड रेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन ये होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने लास्ट में जो भी इलेक्शन हुआ हो, चाहे जनरल असेंबली का हो चाहे किसी स्टेट की अपनी अपने इलेक्शंस हो विधानसभा का, जिसको कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, तो वैसे इलेक्शंस में उन्हें एटलीस्ट 1% वोट मिला हो, जो टोटल वोट्स हैं उसका एटलीस्ट 1% वोट मिला हो, तब भी वो एलिजिबल होते हैं टू रेज फंड्स थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इंडिपेंडेंट जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रिसीव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने एटलीस्ट 1% वोट गेन किया हो इन दी लास्टली कंटेस्टेड इलेक्शंस, आइदर इन दी जनरल असेंबली इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। ओके, अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। और इस स्कीम के लॉन्च होने से पहले एक रूल था कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी सोर्स से 20,000 से ऊपर का अगर अमाउंट डोनेशन में मिला है तो उन्हें डोनर की डिटेल्स शेयर करनी पड़ती थी अपने साइट पे, और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तो 20,000 से ऊपर के जितने भी डोनेशंस होते थे उस केस में एवरी पॉलिटिकल पार्टी उनको ये डिटेल्स शेयर करनी होती थी कि उन्हें फंडिंग्स कहाँ से मिली हैं, उसका डोनर कौन है। अब ये थोड़ा सा रिस्की होता है काम, क्योंकि जो डोनर्स की लिस्ट होगी तो उसमें ऑब्वियसली मेरे आपके जैसे कॉमन सिटीजन्स ये भी डोनेट करते हैं, लेकिन जो अगर आप ऐसे बल्क अमाउंट देखो तो वो आता है कॉर्पोरेट हाउसेस से। सो उस केस में अगर नेम्स डिक्लेयर किए जाएँ, क्योंकि इनकी जो डोनेशंस होती हैं सो उसका डिनोमिनेशन काफ़ी हाई होता है, मतलब वो अमाउंट काफ़ी हेवी होती है, एंड उस केस में अगर उनके नाम उनके नेम्स को पब्लिकली लिस्ट डाउन किया जाए तो हो सकता है कि जिस पार्टी को उन्होंने डोनेट किया है अगर वो इलेक्शन में ना जीत पाए और दूसरी पार्टी आती है तो इनको थोड़े प्रॉब्लम्स बाद में हो सकते थे, एंड बहुत बार हुए भी हैं। जैसे आप अगर नेट पे जाके देखो सो उस समय की बात है, ये 2012 के आसपास की बात है, कि उसके पहले यूपी में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी वो थी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। उस समय ऐसी बातें थी, ऐसा परसेप्शन था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं समाजवादी पार्टी के साथ, जो कि उस समय अपोजिशन में थी, एंड उसके पहले जो इलेक्शन हुआ था तो उस समय समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, एंड ऐसा बोला जाता है और बहुत जगह रिकॉर्ड्स में भी जो मैंने बताया आपको कि 20,000 से ज़्यादा का अगर डोनेशंस होता था तो उस केस में डोनर की लिस्ट, डोनर की डिटेल्स वो शेयर की जाती थी। सो ये एक कॉमन परसेप्शन था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सपोर्ट किया है समाजवादी पार्टी को। सो जब इलेक्शन में समाजवादी पार्टी हार गई और जब बीएसपी की गवर्नमेंट आई है तो उस समय या तो इसके वजह से या फिर बहुत सारे और भी लीगल लूपहोल्स हो सकते हैं जिसको यूज़ करके रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप्स थे उनको धीरे धीरे करके बंद किया गया। मैं बस यूपी की बात बोल रहा हूँ, अभी हम फिलहाल पैन इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो रिलायंस के स्टोर्स हुआ करते थे तो उनको भी एक एक करके बंद किया गया। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट मेरा पॉइंट यहाँ पर समझाने का आपको बस ये था कि जब भी डोनर्स की लिस्ट या उसकी डिटेल्स अगर पब्लिकली शेयर की जाएगी सो उसको नुकसान हो सकता है, खास करके तब जबकि डोनर कोई कॉर्पोरेट हाउस का या फिर कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये प्रोविज़न है कि जो बॉन्ड के पेपर्स होते हैं, एज इन जो रिकॉर्ड रहेगा ट्रांजेक्शन का, सो वहाँ पर डोनर का नाम मेंशन नहीं होता। सो इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब पता नहीं होता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, लेकिन जिस बैंक में ये बॉन्ड्स इशू होते हैं तो वहाँ पे ड्यू डिलीजेंस होती है कि कौन यहाँ पे बॉन्ड आके परचेज कर रहा है। तो बैंक अपने साइड से वेरिफिकेशन करती है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता नहीं होता कि किसने डोनेट किया है, राइट। ठीक है, तो हमें एक एक करके फैक्ट देख लेते हैं। अभी इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। कोई भी डोनर अगर कोई पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो उस केस में
कोई भी डोनर किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता है और वो अमाउंट खुद से चूज़ कर सकता है कि मुझे कितना देना है। अब उसमें सीलिंग जो है वो ये है कि 1000 से कम का अमाउंट नहीं हो सकता, ठीक है, 1000 से कम का अमाउंट नहीं हो सकता। और ये बॉन्ड्स जो इशू किए जाएंगे इसकी डिनोमिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप देख लेना कि या तो 1000 या फिर 10,000 या फिर 1,00,000 या फिर 10,00,000 या फिर 1,00,000। तो जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन है दैट इज़ ऑफ 1,00,000। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम जहाँ पे भी होंगे वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजिली फ्रेम किए जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए एग्ज़ाम में। तो मैं इसकी आपको मीनिंग समझाता हूँ कि मान लो किसी को 6,000 डोनेट करना है, तो अगर किसी को 6,000 डोनेट करना है तो मतलब कि वो 1,000 के डिनोमिनेशन को यूज़ करके वहाँ पे बॉन्ड परचेज कर सकता है, ठीक है। ओके, वापस से आते हैं इस पर। अब ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो चेक्स होते हैं, तो चेक पे रिसीवर का जिसके नाम पे चेक इशू हो रहा है उसका नाम वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। तो मतलब उसके अलावा कोई और उसे इनकैश नहीं करा सकता। लेकिन बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी पेपर जिस पे अमाउंट मेंशनड है, अगर वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है तो मैं उसको ईजिली इनकैश करा सकता हूँ। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया कि जिसके पास, जिसके पोजिशन में वो है, वो उसको इनकैश करा सकता है। ये इसकी मीनिंग हो गई। अच्छा, अब ये परचेज कौन करेगा? तो कोई भी इंडियन सिटीज़न या फिर कोई इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। मान लो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो कि या तो कोई MNC है या फिर किसी फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच है, उस केस में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स परचेज नहीं कर पाएंगे। जब तक वो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तब तक वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज नहीं कर पाएंगे। और इसका लॉजिक ये दिया था गवर्नमेंट ने उस समय कि बहुत सारे इलेक्शंस में, जैसे कि कनाडा ने लास्ट ईयर एलिगेशंस लगाए थे कि जो वहाँ के इलेक्शंस हैं उस इलेक्शन में चाइना ने इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया था। तो जब भी ऐसा होता है कि लोकल इलेक्शंस में या फिर जनरल इलेक्शंस में अगर किसी और कंट्री के कंपनी का फिनेंशियल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में इलेक्शंस मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने किसी भी फॉरेन कंपनी को यहाँ पे बार कर दिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो फंडिंग्स नहीं दे सकते जब तक कि वो, हो सकता है कि उसी की कोई ऑफिस या फिर उसी का कोई यूनिट, यानी किसी फॉरेन कंपनी का कोई यूनिट अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो उसको फिर इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एंड इन दैट केस वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को बाई कर सकते हैं। तो अब इसका प्रोसेस ये हो गया कि कोई भी एलिजिबल इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीज़न है, या तो वो या फिर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड कोई कॉर्पोरेट हाउस, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज करेगी बैंक में जाके। और SBI ने ऐसे 29 ब्रांचेज को डेजिग्नेट किया है जहां से कोई भी जाके इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है, ठीक है। तो पूरे कंट्री में 29 ऐसे ब्रांचेज हैं, सिर्फ वहीं पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की सेल होती है, SBI के हर ब्रांच में नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम स्टेट्स में एक सिंगल ब्रांच होता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 2 या 3 स्टेट्स को मिला के कोई एक ब्रांच दिया गया है, जैसे तमिलनाडु और पौंडीचेरी। इन दोनों के लिए, क्योंकि इसमें से एक स्टेट है और दूसरा UT है, तो इन दोनों को मिला के एक ही जगह SBI का ब्रांच है चेन्नई में, जहाँ से कोई भी परचेज कर सकता है बॉन्ड। लाइकवाइज वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनके लिए एक है, कॉमन है। गोवा और लक्षद्वीप, इनके लिए एक है, कॉमन है। उसके बाद गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनके लिए एक है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों के लिए, इसमें से 2 स्टेट्स हो गए और एक UT है, तो इन तीनों के लिए एक है। इसी तरह करते करते बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए एक एक ब्रांच डेजिग्नेट किया गया है जहां पे जाके कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है, राइट। तो जिसको भी परचेज करना है वो गया, उसने वहां पे बॉन्ड्स जाके परचेज किए एंड फिर उसके बदले में जो रिसीट मिलती है, जो पेपर मिलता है जिसमें रिकॉर्ड होता है पूरा कि कितना अमाउंट है, वो रिकॉर्ड हर इंडिविजुअल को या फिर कॉर्पोरेट हाउस को जिसने कि परचेज किया है, वो जाके अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को उसे फंड करनी है
वो उसे जाके सबमिट करेगा। फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज उस रिकॉर्ड को लेके आएंगे एंड उसी ब्रांच में आके बोलेंगे कि मुझे ये मिला है तो अब मुझे इसके बदले में कैश चाहिए। सो रूल ये बोलता है कि जिस दिन वो बॉन्ड इशू हुआ है उससे लेके 15 डेज के भीतर उसे इन कैश कराया जा सकता है। अगर 15 डेज एक्सपायर हो गए तो फिर वो बॉन्ड किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरा रूल इसमें ये है कि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड पेपर को लेके बैंक में आएगी सेम डे उनको अमाउंट मिल जाएगा। तो मतलब इन कैश कराने का जो प्रोसेस है वो सेम डे हो जाता है। सो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो बड़े आराम से ऐसे ऐसे फैक्ट पे आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है इसको। तो ये है इसका प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया। ओके ये भी मैंने बताया कि सबसे पहले परचेज करना होता है, फिर उसी बॉन्ड पेपर को डोनेट किया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पैसे डोनेट नहीं किए जा रहे, वो बॉन्ड पेपर डोनेट किया जाता है एंड उस बॉन्ड पेपर को लेके जब वो पॉलिटिकल पार्टी उस ब्रांच में जाएगी तब वो इनकैश करा सकती है इसे। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड्स हैं इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं या फिर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट तो वहाँ पे कूपन रेट की बात होती है कि कितना रिटर्न उस पर मिल रहा है। बट क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन के लिए एक फंडिंग टूल है ना कि कोई इन्वेस्टमेंट टूल है, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी टाइप के इंटरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये आपको याद रखना है। ऑल्दो इट इज़ अ बॉन्ड, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होती या फिर किसी भी टाइप के कूपन की बात नहीं होती। ओके अब या तो डिजिटल मोड में पेमेंट की जा सकती है इसके लिए या फिर थ्रू चेक, तो ये भी आपको याद रखना है। डिनोमिनेशन का मैंने आपको बता दिया कि टोटल आप देखोगे तो 5 ऐसे डिनोमिनेशंस हैं। जो लोएस्ट डिनोमिनेशन है वो आपको याद रखना है कि 1000 है, मैक्सिमम वाला 1 करोड़ का है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम पूरे ईयर को ऐसे डिफरेंट क्वार्टर्स में बांटे, सो हर क्वार्टर के बिगनिंग में जो फर्स्ट 10 डेज होंगे उसी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये 10 डेज तक ही रहता है हर क्वार्टर के बिगनिंग में। तो जैसे दिसंबर टू मार्च एक क्वार्टर होता है, इसीलिए 1 जनवरी को ये न्यूज़ में आई कि अब ये वापस से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसको जिसको डोनेट करना है किसी भी पार्टी को वो अपना करे, राइट। तो हर क्वार्टर के बिगनिंग के जो 1 डेज होते हैं, और इस क्वार्टर में 1 जनवरी पब्लिक हॉलीडे थी इसलिए जो सेल स्टार्ट हुई है वो एक्चुअली हुई है 2 जनवरी से, यानी आज जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को। 2 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक ये सेल चलेगी और उसके बाद फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये रीओपन होगा वो होगा अप्रैल में। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से। तो अप्रैल के 1st जो 10 डेज होंगे उसमें ये वापस से सेल के लिए रीओपन हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो यानी अगर हम बात करें थ्रू आउट ईयर की तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल या परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल नहीं होती, वो हर क्वार्टर के इनिशियल 10 डेज में ही होता है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया पहले कि SBI इज़ दी ओनली बैंक विच हैज़ द मैंडेट टू सेल इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इसके अलावा और कोई बैंक इशू नहीं कर सकता। इवन जो हमारे बाकी के नेशनलाइज बैंक्स हैं जैसे PNB हो गया, UBI है, तो ऐसे ऐसे बैंक्स को अलाउ नहीं किया गया, सिर्फ SBI को अलाउ किया गया कि इन्हीं के ब्रांचेस के थ्रू, और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो टोटल ऐसे 29 ब्रांचेज हैं। और मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार और उसके बाद वेस्ट बंगाल, इन दोनों के लिए जिसमें एक स्टेट है दूसरा UT है, इनके लिए एक ही ब्रांच है, कॉमन ब्रांच है। लाइकवाइज तमिलनाडु पुदुचेरी इनके लिए एक है, गोवा लक्षद्वीप इनके लिए एक है, हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के लिए एक है, गुजरात दमन एंड दीव के लिए एक है, बाकी जितने स्टेट या फिर UTs हैं उनके लिए हर स्टेट में हर UT में एक एक है अलग अलग से। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ 15 डेज के लिए ही ये वैलिड है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दूसरा फैक्ट है इस स्लाइड पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब जो मैंने बताया था कि 1% से कम वोट नहीं मिला उन्हें, नहीं मिला हो उन्हें, तभी वो एलिजिबल होंगे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग रिसीव कर पाएँ। और जिस एक्ट के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही होती है तो उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो आया था 1951 में, उसके अंडर खुद को रजिस्टर करना होता है। जब एक बार उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर ये देखा जाता है कि इस एक्ट के थ्रू जितने भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से कितनों का वोट शेयर जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, जो भी हुआ हो, वो चाहे हो सकता है कि लोकसभा का रहा हो या फिर विधानसभा का रहा हो। यहाँ पे ध्यान आप ये देना कि राज्यसभा के इलेक्शंस इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, आइदर लोकसभा और विधानसभा, तो यानी जनरल असेंबली इलेक्शंस या फिर जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, इसी दो इलेक्शन में से किसी भी एक में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट 1% वोट मिला है तब वो एलिजिबल हो जाते हैं कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग मिले। तो इस एक्ट का नाम भी आपको याद रखना है, और जो यहाँ पे कंडीशन है कि उनको 1% से कम वोट नहीं मिला हो, तो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि जो एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं तो सिर्फ डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट इसी में वो पैसे रिसीव कर पाएंगे, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जो उनके स्टेट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे टोटल 29 ब्रांचेज हैं, तो अब जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये दोनों नेशनल पार्टीज़ हैं, राइट, इनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही होते हैं। सो ऑब्वियस ही बात है कि जो पार्टी का हेडक्वार्टर है, तो अगर जनरल इलेक्शंस के लिए इनको फंडिंग मिल रही है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हम इसको बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में जो SBI का डेजिग्नेटेड ऑफिस होगा वहीं से फिर वो इनकैश कराएंगे सारे बॉन्ड्स को। बट इसके लिए उन्हें दिल्ली के उस डेजिग्नेटेड ब्रांच में पहले अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा। इसके बिना ये बॉन्ड्स को इनकैश नहीं करा सकते। या तो फिर ये हो सकता है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, इनकी जो स्टेट की यूनिट्स हैं अगर इनको फंडिंग मिल रही है, हो सकता है कि जैसे मान लो स्टेट है MP UP, तो इस स्टेट में जितने बिजनेसमैन हैं जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ के कोई सिटीजन्स, सो वो अगर चाह रहे हैं कि मैं अपने स्टेट यूनिट को फंड करूँ पार्टी को, तो वो फिर उस स्टेट के यानी यूपी में, लखनऊ में और MP में, भोपाल में, तो यहाँ पे जो SBI का डेजिग्नेटेड ब्रांच है वहाँ पे जाके कोई भी इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट हाउस वो अपने स्टेट यूनिट को जाके फंड कर सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया कवर इसमें। अच्छा, उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी को जो कि एलिजिबल है टू रिसीव फंड्स थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जितनी भी अमाउंट उनको रिसीव हुई है वो उन्हें इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब इस पर भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। मान लो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बजाय यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू इन्फॉर्म द एथिक्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट अबाउट द अमाउंट दैट दे हैव गेंड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कुछ ऐसे करके मान लो कि इलेक्शन कमीशन के बजाय या तो एथिक्स कमेटी का नाम डाल दे, या फिर कैबिनेट की कोई कमेटी होती है उसका वहाँ का नाम आ जाए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपको याद रखना है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होता है, बाकी गवर्नमेंट के जो और दूसरे ऐसे मशीनरीज हैं उनको इन्फॉर्म नहीं करना होता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जिसने भी परचेज किया है उसका नाम उस पर नहीं होता, मतलब जो डॉक्यूमेंट होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें रिकॉर्ड होता है कि कितना अमाउंट डोनेट किया गया है, उस पर डोनर का नाम नहीं होता। और इसका रीज़न मैंने आपको शुरू में ही बता दिया क्यों नहीं होता ऐसे, क्योंकि हो सकता है कि जिस पार्टी को उसने डोनेट किया है अगर वो पार्टी हार जाए और दूसरी पार्टी पावर में आए, तो कई बार ऐसा होता है कि रिवेंज की स्टोरीज हमने बहुत पहले देख रखी हैं कई सारी ऐसे, तो उसी से बचने के लिए डोनर का नाम इस पर मेंशन नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, करेंटली देर आर 29 SBI ब्रांचेज विच आर ऑथोराइज टू इशू एंड इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब बस आपको इसको रिवाइज़ करना है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, हमने इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया है।
इसके बियॉन्ड कोई फैक्ट आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। इनकेस अगर कुछ अमेंडमेंट होती है, कुछ नया उसमें कंडीशन डाला जाता है, तो जब वो न्यूज़ में आएगा तब हम उसको कवर करेंगे। एज ऑन टुडे जितने भी की फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है, और उसके पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें से ढूंढना है कितने सारे इनकरेक्ट हैं। तो ये जो फोर स्टेटमेंट्स हैं इसमें से आपको देखना है कि कितने इनकरेक्ट हैं। सबसे पहला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दूसरा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे, मतलब सेम डे वो इन कैश करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। थर्ड है, अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली और ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। सो आपने अगर इसको पहले रीड किया है तो इस स्टेटमेंट को देखो कि क्या होता है ये। आई थिंक ये सेशन में मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं इसके बाद बता दूंगा इसको भी। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिस्क्लोज द अमाउंट टू द इलेक्शन कमीशन। अब मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है। मैंने आपको बताया था कि 15 डेज के भीतर ही, मतलब जिस दिन बॉन्ड इशू हुआ है उस दिन से लेके 15 डेज के भीतर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको इनकैश करा सकती है। अगर 15 डेज का टाइम एक्सपायर हो गया तो फिर उस बॉन्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इलेक्ट्रोल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाई एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट सेल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे, ये सही है। मैंने आपको बताया कि जिस दिन पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड पेपर को लेके अपने डेजिग्नेटेड ब्रांच में जा रही है SBI के, तो उनको सेम डे पैसे मिल जाएंगे। जिस दिन डिपॉजिट हुआ है उसी दिन पैसे उनको मिल जाएंगे। ओके, इसमें थर्ड है, अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली, ये सही है, ये वाला सही है, आइदर सिंगली और ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, कोई इंडिविजुअल चाहे तो वो खुद पे करके बॉन्ड परचेज कर सकता है, या फिर वो ज्वाइंटली भी परचेज कर सकता है किसी और के साथ मिलके, तो इसका भी प्रोविजन होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिस्क्लोज द अमाउंट टू द इलेक्शन कमीशन, ये सही है। ये मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि कोई और गवर्नमेंट मशीनरी नहीं होती, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, और हमें ढूंढना था क्या, हमें ढूंढना था कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन वन, नन, कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा, अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप देख लो टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले आपको लास्ट वाले स्लाइड पे जाना है जहाँ पे आपको PIB के लिंक्स मिलेंगे। वो लिंक्स को आप ओपन करो, उसको एक बार रीड करो, और उसमें स्टेटमेंट में जितने भी टर्म्स दिए हैं उन सबको थोड़ा अलग से सर्च करके आप देखो, क्योंकि अभी जनवरी मंथ की जब PIB सूत्र या फिर संपूर्ण फाइल आएगी तो उसमें ये सब आपको डिटेल में मिलेगा। अभी के लिए आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि आप अगर खुद से एफर्ट डाल रहे हो तो आपकी रिटेंशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और फिर लास्ट में जब ऐसे PIB की कंपाइलेशन आती है उसको रीड करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। लेकिन आपने जब तक खुद से एफर्ट नहीं लगाया होगा तब तक ये सारे आर्टिकल्स याद रखने और उसके जो भी की फैक्ट्स हैं वो याद रखने में काफ़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो आप एक बार खुद से इसको देखो रीड करके, और उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट करना। तो ऐसे ऐसे फोर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे आर्टिकल्स को रीड करके आप इसको फिर देख पाओगे, और एंड में इसकी आंसर की भी अवेलेबल है। तो आपने जो भी ऑप्शंस इसमें मार्क किए हैं आप एक बार मैच कर लेना कि आपका आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं। इनकेस अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन के किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।